लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह से रणभेड़ी भर चुकी है सलेमपुर। अगर लोकसभा की बात करें तो सलेमपुर से बीजेपी ने अपना कैंडिडेट घोषित भी कर दिया है, लेकिन इस कैंडिडेट की जैसे बीजेपी ने घोषणा की, अब ग्राउंड लेवल पर यहां पर विरोध होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि बीते अगर इस हफ्ते की बात करें तो कुल मिलाकर दो वीडियो सलेमपुर से काफ़ी जमकर सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रविंद्र कुशवाहा का कुछ लोगों की तरफ से विरोध किया जा रहा है, यानी कि साफ तौर पे लोगों का कहना है कि मोदी योगी से बैर नहीं लेकिन रविंद्र कुशवाहा की खैर नहीं। दरअसल कल रविंद्र कुशवाहा तमाम गांव में जाकर मिल रहे थे, लेकिन इसी दौरान क्या हुआ कि कुछ लोग इकट्ठे हो गए और सड़क की मांग को लेकर रविंद्र कुशवाहा पर बरस पड़े। यानी कि बीते 10 सालों से अगर बात करें सलेमपुर की राजनीति में तो रविंद्र कुशवाहा का यहां पर दबदबा रहा है। रविंद्र कुशवाहा साल 2014 से साल 2019 और इस बार हैट्रिक के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें अपना कैंडिडेट बनाया है, लेकिन ग्राउंड जीरो की जो रिपोर्ट आ रही है सामने, ग्राउंड जीरो पे रविंद्र कुशवाहा का जादू चलता हुआ नजर नहीं आ रहा है और ग्राउंड जीरो पे रविंद्र कुशवाहा को भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल एक और वीडियो आपको दिखाते हैं जो कि अब से 3 दिन पहले काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। उस वीडियो में लोग इनसे कटान को लेकर पूछते नज़र आ रहे हैं कि इतने दिनों तक आपने काम नहीं किया तो आगे अब क्या करेंगे, अब तो चुनाव आ चुका है। हालांकि उस फजीहत से किसी तरह वहां से रविंद्र कुशवाहा निकले, लेकिन कल का जो वीडियो है काफ़ी एक्सक्लूसिव है, जहां सड़क पर लोग उतर चुके हैं बैनर पोस्टरों के साथ और रविंद्र कुशवाहा का काफ़ी जमकर विरोध कर रहे हैं। हालांकि ये वीडियो सबसे पहले हम आपको दिखा दें, पहले देखिए इस वीडियो को। वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं खासकर विरोध करते नजर आ रहे हैं। बहरहाल इस वीडियो को वायरल होने के बाद अब आपकी क्या राय है कि सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी ने गलत कैंडिडेट तो नहीं दे दिया है? वैसे आप किसको सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र का भावी उम्मीदवार मानते हैं कि बीजेपी को इनको देना चाहिए था? हालांकि उसकी राजनीति में जो राजेश सिंह दयाल का काफ़ी जिक्र आ रहा था, लेकिन अब जिक्र आ रहा है कि राजेश सिंह दयाल भारतीय जनता पार्टी को टिकट नहीं मिला, रविंद्र कुशवाहा को घोषित कर दिया गया। उसके बाद अब तय माना जा रहा है कि रविंद्र कुशवाहा के मतलब विरोध में अब राजेश सिंह दयाल चुनाव लड़ने वाले हैं और राजेश सिंह दयाल समाजवादी पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ सकते हैं। तो बलिया की राजनीति की बात करें सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र से तो काफ़ी उथल पुथल मचाई हुई है। बलिया से सटे सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र में ये सीट काफ़ी उथल पुथल मचाई हुई है। आने वाले समय में यहाँ पर कभी भी कुछ हो सकता है और राजेश सिंह दयाल को एक बार फिर चुनाव मैदान में आप देख सकते हैं। हालांकि ये सूत्र बता रहे हैं कि राजेश सिंह दयाल समाजवादी पार्टी के टिकट से लड़ेंगे। फिलहाल आपकी क्या राय है, आप अपनी राय हमें नीचे लिख के जरूर बताएं। और साथ ही में सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक फॉलो करना ना भूलें और साथ में अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।